स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपी में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा सी नेट का एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है, जो केवल बीएससी नर्सिंग के लिए आपका यहाँ होता है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स 2025 के लिए तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2024 में ये एंट्रेंस एग्जाम दिया, बट किसी कारण बस उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक मौका अपने आप को और दीजिएगा। 2025 में आपका 100% सिलेक्शन होना तय है, ठीक है। आपको देखना होगा कि आपने 2024 में क्या कमी छोड़ी है। जो कमी है उस कमी को 2025 में पूरा करिएगा। आपने लाइन सुनी होगी, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। एक बार कोशिश और करिएगा। मैं बात करेंगे यहाँ पर कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो बीएससी नर्सिंग का यूपी में एग्जाम कराया जाता है, इसमें आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए 2025 के लिए, पेपर पैटर्न क्या, सिलेबस क्या है यहाँ पर, आयु कितनी होनी चाहिए, पेपर का लेवल 2024 में यहाँ पर क्या रहा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को सभी स्टूडेंट्स पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, इसे आने वाली प्रत्येक क्लास और प्रत्येक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए 2025 के लिए। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर आपकी एज बहुत मायने रखती है। 17 वर्ष आपकी एज जो है वो कंप्लीट होनी ही चाहिए 2025 में जब आप फॉर्म डालेंगे। और यहाँ पर आप 12th पास होने चाहिए, 12th आपके सब्जेक्ट से पास होना चाहिए। तो मैथ वाले स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं डाल पाते बीएससी नर्सिंग का। यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट जो होने चाहिए 12th क्लास में, वो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। मैथ स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म नहीं डाल सकते। दूसरी बात, यूपी में जो ये बीएससी नर्सिंग का फॉर्म आता है, यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही फॉर्म डाल सकते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है, जैसे एम्स का एग्जाम होता है, एम्स बीएससी नर्सिंग का, उसमें केवल गर्ल्स ही फॉर्म डाल सकती है, बॉयज वहाँ पर फॉर्म नहीं डालते। बट यूपी में ऐसा अभी कुछ भी नहीं है, यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 12th आपने कभी भी किया हो, 2-3-4-5 साल पहले, इससे कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। इतनी बात आपकी क्लियर हुई। और 2025 में जो बच्चे फॉर्म डालेंगे 12th, जिन्होंने जो ये सीयर कर रहे हैं अभी, वो आगे वो भी फॉर्म को डाल सकते हैं। यदि आपकी एज जो है वो 17 वर्ष कंप्लीट हो जाती है जब ये फॉर्म आपके आएंगे। फॉर्म कब आएंगे तो वो भी अभी आपको आगे बताया जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि पेपर पैटर्न क्या है 2025 का, पेपर किस भाषा में आएगा ये भी बात करेंगे हम। यहाँ पर बात करते हैं, जैसे पेपर में पूछा जो जाता है आपसे, वो फिजिक्स पूछा जाता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, साथ ही साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स के 40 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 40, इंग्लिश के यहाँ पर 40 क्वेश्चन आते हैं और नर्सिंग एप्टीट्यूड के यहाँ पर 40 क्वेश्चन आते हैं। पहले क्या होता था, इंग्लिश के यहाँ पर 20 क्वेश्चन आते थे और 20 क्वेश्चन आपके जीके के पूछे जाते, बट जीके इस साल इन्होंने हटा दिया था 2024 में, ठीक है। अब यहाँ पर जीके आपसे नहीं पूछा जाएगा, इंग्लिश के क्वेश्चन आपसे 40 पूछे जाएंगे और यहाँ पर टोटल क्वेश्चन जो आपके हैं वो 200 क्वेश्चन हो जाते हैं। 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चन आपसे, उसी प्रकार से बायोलॉजी में 40, फिजिक्स में 40, केमिस्ट्री में 40। यहाँ पर पेपर जो आपका आता है वो दोनों भाषाओं में आना स्टार्ट हुआ 2024 से, और इस ईयर भी आपका दोनों भाषाओं में ही आएगा, हिंदी और इंग्लिश। पहले पेपर ये जो होता था वो केवल इंग्लिश भाषा में होता था, बट 2024 से ये पेपर जो आपका है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आना शुरू हो गया है। तो बहुत ही अच्छी बात है ये, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनको बहुत ही बेनिफिट है, क्योंकि वो इंग्लिश की वजह से इस फॉर्म को अप्लाई भी नहीं पहले करते थे। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपका पेपर 2024 का लेवल क्या रहा। देखो पेपर 2024 का लेवल जो था यहाँ पर वो बहुत ही इजी लेवल था, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। थोड़ी बहुत अच्छे से तैयारी यदि आप कर लेते बेसिक से यदि हाई की तरफ यदि आप जाते हैं तो आपका ज़्यादा बेहतर रहेगा पेपर। और केवल आप हाई लेवल का पढ़ते हैं, नीट जैसी तैयारी करते हैं, तो आपका बहुत सारे जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो छूट जाते हैं। यहाँ पेपर जो था वो बिल्कुल बेसिक लेवल का था, कहने का अर्थ है कि 10th लेवल का पेपर पूछा गया था। आपका 9th 10th अच्छे से क्लियर है, यदि
कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और क्वेश्चंस आप ज्यादा से ज्यादा लगा के जाते हैं, 9th 10th के भी लगा लेते हैं, तो आराम से आप कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो भी पढ़ें, चाहे आप 10th का पढ़िए चाहे आप 12th का पढ़िए, आपको NCERT ही पढ़नी है। NCERT के अलावा आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं पढ़ना है। पहले आप ऐसा करिए, यहाँ पर 10th क्लास को पहले क्लियर करके रखें, 10th के बाद उसके बाद आप 12th क्लास को यहाँ पर पढ़िए, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छा क्लियर हो जाएगा। और वही में हम करेंगे आगे, जो हम तैयारी आपकी करेंगे वो ऐसा ही करेंगे। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर पेपर, आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों के द्वारा कमेंट किए गए थे कि पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, पेपर कैसा फंसा हुआ था हमारी क्लासों से। यहाँ पर यहाँ बच्चों का कमेंट है कि मैम बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड का पूरा सवाल आपके पढ़ाए हुए से आया था, थैंक यू मैम हमें सपोर्ट करने के लिए। मैम पेपर बहुत ईजी था आपके पढ़ाए हुए से, क्लास के लगभग बहुत सारे क्वेश्चन मिले आपकी क्लास से, बहुत मदद मिला। देखो यहाँ पर आप पढ़ सकते, पेपर बहुत ईजी है, पेपर बहुत कैसा है इजी, ज़्यादा कठिन पेपर नहीं, आप आराम से कर सकते हैं या थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं। अपने आप को 7 से 8 घंटे अभी से देना शुरू कर देंगे, सब सब्जेक्ट एक एक सब्जेक्ट डेली पढ़ेंगे तब भी आप अच्छा करके ही आएंगे, ठीक है। और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक आपकी थ्योरी क्लियर नहीं होगी, तब तक पेपर निकालना मुश्किल की बात है। आप सोचो कि 2 महीने में तैयारी करें और हमारा पेपर निकल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत कम चांस होते हैं, बहुत अच्छा जिनका लक होता है जो 2 महीने में पेपर अपना निकाल पाते हैं। बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस क्या होगा आपका, तो देखो क्वेश्चन देखे जाए 2024 के तो बहुत ही इजी पेपर आता है, ज़्यादा कठिन पेपर यहाँ पर नहीं रखा जाता है। तो आप ऐसा करिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं वो 10th लेवल पहले क्लियर करिए अपना, 10th की फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पहले अपन अच्छी तरीके से क्लियर करिएगा, अभी आपके पास काफ़ी टाइम भी है। उसके बाद आपको यहाँ पर 12th क्लास पढ़ना है, 12th क्लास की जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो भी चैप्टर दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने। फिर उसके बाद पहले आप 10th क्लास अच्छे से करिए, जिससे आपका बेसिक जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और 12th लेवल में जो भी हाई यदि क्वेश्चन पूछे जाएंगे हार्ड लेवल के भी, तो 12th क्लास से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस में आपको पहले 10th पढ़िए, फिर उसके बाद आप 12th क्लास को पढ़िएगा, यदि आपको 2024 में यहाँ पर पेपर निकालना है। वहीं बात की जाए नर्सिंग एप्टीट्यूड की और इंग्लिश की बात कर ली जाए, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है वो मैं आपको करा देंगे, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको सारे क्लासों से देखने को मिल जाएंगे, ये मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर इंग्लिश की बात कर ली जाए, तो इंग्लिश के लिए आप जो 10th क्लास की इंग्लिश है, इंग्लिश ग्रामर जो आपकी होती है उसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका इंग्लिश भी बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे। इंग्लिश में जो भी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आप लगभग 35 क्वेश्चन करके आएंगे, यदि आप इंग्लिश 10th लेवल की भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपको क्वेश्चन में कराते रहेंगे, जैसे क्वेश्चन में कराएंगे उसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये बैच स्पेशल आपका कब से स्टार्ट होगा और क्या क्या उसमें पढ़ाया जाएगा। तो देखो यूपी के लिए, UPBSC नर्सिंग के लिए मैं स्पेशल बैच आपके लिए लेके आएंगे, उसमें केवल UPBSC नर्सिंग और UPGNM के लिए क्लास स्टार्ट होंगी, UPGNM, UPANM और UP पैरामेडिकल। यदि आप UP से पैरामेडिकल भी कोर्स करना चाहते हैं जो CPET के नाम से कराया जाता है, जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ही कराती है, तो उसका लेवल और प्लस CNET का लेवल लगभग एक जैसा लेवल है, कोई ज़्यादा पेपर कठिन नहीं आता है। तो जो बच्चे यूपी से BSc नर्सिंग, यूपी से GNM, ANM करना चाहेंगे वो सारे बच्चे इन्हीं क्लास को फॉलो करेंगे, ठीक है। ये बैच कब से कंटिन्यू स्टार्ट होगा, तो ये बैच आपका जो है वो 1 अक्टूबर से मैं स्टार्ट करूंगी। उसमें आपको बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी, बेसिक से हाई की तरफ लेके चलेंगे बिल्कुल, साथ ही साथ आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ाई जाएगी, आपको फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। ऐसा नहीं है डेली तो नहीं पढ़ा सकते, बट इसके लिए मैं 2-2 दिन का टाइम देंगे, 2 दिन अभी फिजिक्स लाएंगे, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड और 2 दिन आपका बायोलॉजी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ऐसी कोशिश में कर रही हूँ। और यदि आपका सपोर्ट मिला तो आगे भी आपको अलग क्लास देखने को मिलेगी फिजिक्स और केमिस्ट्री नर्सिंग एप्टीट्यूड की भी, यदि आपका सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा रहा। और वहीं बात कर ली जाए इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए आपको अलग से अपना टीचर कोई ढूंढ लेना है यूट्यूब पर, वहाँ पर आपको पढ़ना। इंग्लिश के लिए मेरे पास कोई टीचर नहीं है और मैं भी आपको पढ़ा भी नहीं सकती हूँ, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ आपका ये बैच जो होगा वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया जाएगा। क्लास आपको कब देखने को मिलेगी, तो ये क्लास आपको लाइव मिलेगी और वो कहाँ पर, यूट्यूब चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर आपको ये क्लास प्रोवाइड की जाएगी। कब,
तो शाम चार बजे ये क्लास आपको देने की कोशिश रहेगी डेली। और यहाँ पर मेरे YouTube पर लाइव प्रॉब्लम चल रही है, बट मैंने कल जब लाइव स्टार्ट की को तो सही हुई, मुझे मिल गई कि लाइव प्रॉब्लम सही हो चुकी है। यदि सही नहीं होगी फिर भी आपको मैं अपलोड क्लास देंगे, कोशिश हमारी रहेगी है। लाइव पहली बात वो सही हो चुकी है, थोड़ा बहुत हो सकता है एक दो बार मिस करे, लाइव ना चल पाए सही से, YouTube की तरफ से अभी प्रॉब्लम चल रही है। बट यदि लाइव प्रॉब्लम जिस दिन रहेगी, मुझे लगेगा लाइव प्रॉब्लम है, तो मैं उस दिन आपको अपलोड क्लास देने की कोशिश करेंगे। यदि अपलोड क्लास नहीं दे पाएंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है बायोलॉजी विद आरती, जिसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया करेंगे, ठीक है। बायोलॉजी विद आरती के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर 4200+ बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर सबसे पहले जो लेके आएंगे क्लास वो नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास लेके आएंगे। नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास सबसे पहले आपको कराई जाएगी, उसके बाद आपको बायोलॉजी की क्लास, फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री आपको कराने की कोशिश करेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री जो आपको है वो 10th level की कराएंगे सबसे पहले। वही बायोलॉजी की बात की जाए, वही नर्सिंग एप्टीट्यूड, तो वो भी आपको बेसिक लेवल से लेके चलेंगे हाई की तरफ, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। पेपर आपका कब हो सकता है, ये फॉर्म कब आते हैं, तो फॉर्म आपके जो है वो अप्रैल महीने में यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। अप्रैल महीने में आपके पेपर फॉर्म आ जाते हैं, लगभग एक महीना आपको फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर दिया जाता है। और जून महीने में आपका हर हाल में एग्जाम यहाँ पर करा लिया जाता है। जून महीने में हर हाल में आपका 100% आपका एग्जाम जो है वो हो जाता है। तो आपके पास जो टाइम है वो आप मान के चलिए अक्टूबर आपका स्टार्ट हो जाएगा परसों से, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जून में तो ये आपका एग्जाम है, तो 8 महीने का टाइम है। लेकिन 8 महीने में आपको पढ़ना भी है, आपको सब्जेक्ट जो पढ़ने हैं वो 5 सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ने हैं, और 5ों सब्जेक्ट में आपको 10th level बेसिक भी आपको पढ़ना है और थोड़ा हार्ड की तरफ भी आपको चलना है, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर ना छूटे। तो 5 सब्जेक्ट है, आप अभी ज़्यादा ध्यान जो देना है आपको वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर ध्यान दीजिए, और साथ ही साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड पर, इन 4 सब्जेक्ट पर अभी ध्यान आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। और आप इंग्लिश सब्जेक्ट जो है, यदि आपके पास टाइम है तो अच्छी बात है, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आप उसे उधर जनवरी से स्टार्ट करना है, जनवरी या फरवरी से आप इंग्लिश पढ़ना शुरू करेंगे तब भी आप इंग्लिश में अच्छा करके आ जाएंगे। ऐसे आपको तैयारी करनी है और ये सारी क्लासें मैं आपको देने की कोशिश करेंगे यूट्यूब पर। मेरे पास कोई अभी ऐप नहीं है, ऐप जब हो जाएगा तो ऐप पर भी आपको क्लास देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कैसी आपको जानकारी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए जिससे आपको क्लास ही ये कंटिन्यू में दे सके, वो भी फ्री में, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, चैनल को शेयर कर दें, कमेंट करके बताएं कोई डाउट है, और लाइक एक बार ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।